आपको महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए, आपने उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी का अपमान किया है। उद्धव ठाकरे जी अगर थोड़ी भी शर्म है ना तो भारतीय सेना से माफी मांग लीजिए कि उद्धव जी ठाकरे देश के सैनिकों से तत्काल माफी मांगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अक्सर अपने बयानबाजी के चलते चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी और भारतीय सेना का ही अपमान कर दिया। लेकिन उसके बाद देश की जनता उन्हें किस तरह से सबक सिखा रही है, आज इस खबर में आपको दिखाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी दौरान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि केंद्र सरकार किसानों को रोकने के लिए इंतजाम करती है, चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार चीन को देखकर भाग जाती है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि शिवसेना स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आपका पैतृक संगठन आरएसएस भी नहीं था। केवल भारत माता की जय बोलने से आप देशभक्त नहीं हो जाएंगे। शेतकऱ्याच्या मार्गात खिळे आणि चीन दिसला तर पळे, चीन दिसला तर पळे, चीन दिसला तर पळे। लेकिन इसके बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जैसे ही विधानसभा के बाहर निकले, उन्होंने ठाकरे को जबरदस्त जवाब दिया और क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चीन को देखकर भागते हैं, ये हमारे सैनिकों का अपमान है। हमारे सैनिकों ने -30 डिग्री में चीन के सैनिकों के साथ कभी निहत्ते कभी हथियार लेकर जिस प्रकार से मुकाबला किया, जिस प्रकार से बलिदान दिया, जिस प्रकार से चीनियों को खदेड़ा, और देश के इतिहास में पहली ये लड़ाई ऐसी है कि जिसमें एक इंच भी भारत की भूमि नहीं गई, ऐसे हमारे सैनिकों की शहादत, ऐसे हमारे सैनिकों का शौर्य अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने चीन को देखकर भारत भागता है ये कहकर कहा है, मैं इसका पूरे तरीके से इसकी भर्त्सना करता हूँ। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे शायद ये नहीं जानते कि ये वही भारतीय सेना है जिन्होंने चीन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसका कबूलनामा खुद चीन ने भी किया था। लेकिन शायद उद्धव ठाकरे अपनी सेना का सम्मान करना नहीं जानते। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि देश की जनता उद्धव ठाकरे के इस बयान पर क्या बोल रही है। पाकिस्तान जैसे क्रूर देश में घुसकर और सर्जिकल स्ट्राइक का सुपर अंजाम देके और भारत देश में लौट के आई थी, उस सेना का आपने अपमान किया है जो दिनों रात भारत देश की सुरक्षा के लिए जगते हैं। भारतीय सेना का, उस भारतीय सेना का अपमान किया है। आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, आपको महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपने उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी का अपमान किया है, जो रात दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित थे, आपने उनका अपमान किया है, उनकी छवि धूमिल करने का काम किया है। आपने भारतीय सेना का अपमान करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, भारत देश का अपमान किया है। आपको भारत देश से, भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। वह मुख्यमंत्री पद की गरिमा का हनन करने के लिए आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब भारत की सेना ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो कांग्रेस ने लगातार भारतीय सेना पे सवाल उठाए थे और लगातार भारत की सेना का अपमान भी किया था और लगातार भारत की सेना को झूठा भी वो साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन वो झूठा साबित नहीं कर पाए, लेकिन अपमान जरूर कर पाए। भारतीय सेना का लगातार उसी दिन से अपमान करने का जिम्मा पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है और उसके साथ मिलते हुए ये उद्धव ठाकरे जी लगातार कांग्रेस के साथ मिलके भारत की सेना का अपमान लगातार करते हुए नजर आते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी होते तो ये उद्धव ठाकरे आज अपनी जवान नहीं खोल पाता, उद्धव ठाकरे आज इतना नहीं बोल पाता, भारतीय सेना के लिए इतना अपमान नहीं करता। और उद्धव ठाकरे जी अगर थोड़ी भी शर्म है ना तो भारतीय सेना से माफी मांग लीजिए, भारतीय सेना से माफी मांग लीजिए जो दिन रात अपनी जान हथेली पे रख के पूरे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पे रख के वो वहां पे रहते हैं और तुम उनको लगातार उनका अपमान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे जी, बार बार कहना चाहता हूँ, भारत की सेना से माफी मांगिए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे ने देश के सैनिकों को अपमानित करने का जघन्य अपराध किया, आज तक ये देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी देश के सैनिकों के ऊपर, उनकी वीरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रही है, पर सत्ता की इस लालच ने शिवसेना का भी कांग्रेसीकरण होते हुए पूरा देश देख रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उद्धव जी ठाकरे देश के सैनिकों से तत्काल माफी मांगे। तो देखा आपने,
जनता ने किस तरह से उद्धव ठाकरे को जवाब दे दिया, साथ ही ये भी कह दिया कि भारतीय सेना से माफी मांगिए। ट्विटर पर भी लगातार उद्धव ठाकरे इंसल्ट आर्मी ट्रेंड कर रहा है। देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपने इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।